कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है। 13 अप्रैल के बाद पिछले 24 घंटे में सबसे कम मौत हुई है। आज से बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल कहां कहां शुरू होगा और कोरोना की तीसरी लहर आने की नई तारीख क्या है, देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। 24 घंटे में देश में कोरोना के 46,498 नए केस आए हैं। वहीं इस दौरान 58,540 मरीज रिकवर हुए। महामारी से 978 लोगों की मौत एक दिन में हो गई। ये 13 अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे कम मौतें हुई हैं। देश में एक्टिव कोरोना मरीजों की तादाद घटकर अब 5,68,000 हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच आज से दिल्ली और पटना के एम्स में बच्चों की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू होगा। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के टीके का ट्रायल 2 से 6 साल के बच्चों पर किया जाएगा। इससे पहले 6 से 12 साल के बच्चों और 12 से 18 साल की आयु वाले किशोरों पर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है। कोविड वर्किंग ग्रुप के प्रमुख डॉक्टर एनके अरोड़ा ने कहा कि दवा निर्माता कंपनी जायडस कैडिला का टीका जायकोव डी का ट्रायल करीब करीब पूरा हो चुका है। ट्रायल के पूरा होने के बाद जुलाई के आखिरी या अगस्त की शुरुआत में 12 से 18 साल के किशोरों को टीका लगाने का काम शुरू हो सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट भी बच्चों के लिए नोवावैक्स टीके का क्लिनिकल टेस्ट जुलाई में शुरू करेगी। कोरोना पर बनी वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एनके अरोड़ा ने कहा है कि देश में महामारी की तीसरी लहर दिसंबर तक टल सकती है। पहले तीसरी लहर के अगले 6 से 8 हफ्तों में आने की आशंका जताई गई थी। डॉक्टर एनके अरोड़ा के मुताबिक देश में सबको टीका लगाने के लिए हमारे पास 6 से 8 महीने का वक्त है। आने वाले दिनों में सरकार हर दिन 1 करोड़ लोगों को टीका लगाएगी। भारत और ब्रिटेन के बाद दक्षिण अफ्रीका में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका बढ़ गई है। दक्षिण अफ्रीका में हाल ही के दिनों में डेल्टा वेरिएंट के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। माना जा रहा है कि यहां कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के हालात दूसरे से भी खराब हो सकते हैं। गृह मंत्रालय की संसदीय समिति की आज बैठक होगी। इस बैठक में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से सामाजिक और आर्थिक नुकसान के बारे में गृह मंत्रालय से जानकारी मांगी जाएगी। इस बैठक में गृह सचिव और मंत्रालय के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। गृह मंत्रालय की संसदीय समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता आनंद शर्मा है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मेडिकल किट वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। इस मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के करीब है, लेकिन महाराष्ट्र में अब भी रोजाना आने वाले नए केसों की संख्या को लेकर चिंता बनी हुई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 9,974 नए केस सामने आए हैं, जबकि 405 लोगों की मौत हो गई। राज्य में अब तक 60 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक शख्स ने दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने के सिर्फ आधा घंटे में ही उनकी पैरालिसिस की बीमारी ठीक हो गई। अब्दुल मजीद खान ने कहा, कोविशील्ड का टीका लेने के कुछ देर बाद ही उनके लकवाग्रस्त अंगों में हलचल शुरू हो गई। अब्दुल पिछले 6-7 महीने से पैरालिसिस से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। अब वो बोल पा रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।